internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. और सोडियम बेंजोएट के बारे में जो खतरनाक बात है जो लोग बोलते रहते हैं, जिसके बारे में आज ये वीडियो आपने आप चाह रहे थे कि क्या सोडियम बेंजोएट एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, जिसका कि ई नंबर है E300, उसके साथ मिलके बेंजीन बनाता है। जी हाँ, बेंजीन बनाता है। और बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जो कि कैंसर कॉज करता है। लेकिन क्या बेंजीन इतना कॉमनली आपको सिर्फ सोडियम बेंजोएट और एस्कॉर्बिक एसिड से मिलेगा? पहले एक ज़माना था 2005-2006 में, जहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक्स आती थी उनमें ये दोनों प्रोडक्ट होते थे, सोडियम बेंजोएट और एस्कॉर्बिक एसिड, और उनमें बेंजीन अच्छी मात्रा में फिर पाया गया। 200-300 से ज़्यादा सैंपल जब लिए गए, उनमें देखा गया कि उनमें बेंजीन की मात्रा जो उनकी सेफ लिमिट है 5 parts per billion, उससे थ्रेशोल्ड से ज़्यादा थी। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 5 parts per billion से ज़्यादा थ्रेशोल्ड थी, तो उस पूरे लॉट को वे बदल दिया गया। फिर अब उसको रीफॉर्मुलेट करा गया है और सोडियम बेंजोएट को पोटेशियम सॉर्बेट से रिप्लेस किया गया है मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स में, बाहर की कंट्री में, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया में क्या हो रहा है दुनिया जाने, इंडिया वाले कभी नहीं बताते वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन नॉट से। बेंजीन क्या चीज है? बेंजीन एक कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है, और ये आपका बॉडी के अंदर कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। ये बोन मैरो फेलियर भी कर सकता है, और ये सब्सटैंशियल क्वांटिटीज में अगर ज़्यादा मात्रा में दिखे तो आपको ज़्यादा लोगों को एप्लास्टिक एनीमिया यानी बोन मैरो में खून के सेल्स ही नहीं बन रहे, एक्यूट ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, बोन मैरो में एबनॉर्मलिटी, हार्ट की बीमारियां भी कर सकते हैं, हिमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज कर सकती हैं, यानी एक तरीके से कैंसर कर सकते हैं। कौन सी चीज़? बेंजीन, राइट? और इवन माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम भी कर सकते हैं। सो बेंजीन क्या है? बेंजीन क्या सिर्फ उसी से मिलता है? नहीं, बेंजीन इज यूबिक्विटस, सब जगह है। जी हाँ, सब जगह बेंजीन है। यहाँ हवा में बेंजीन है, वहाँ हवा में बेंजीन, बेंजीन है, कैसे है? सबसे कॉमन बेंजीन यूबिक्विटस गैसोलीन और हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स के बर्न होने से सब जगह है। गाड़ियाँ चलती है जहाँ वहाँ बेंजीन है। ह्यूमन एक्सपोजर बेंजीन से ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है। सारी दुनिया को बेंजीन का एक्सपोजर हो रहा है। बेंजीन आपके लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन, इवन आपके डीएनए को डैमेज करता है। लॉन्ग टर्म में आपके डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेक करता है, क्रोमोसोमल डैमेज करता है। मतलब आप ही बीमार नहीं होंगे, आपकी पुश्ते बीमार हो जाएंगी, पुश्ते खराब निकल सकती हैं बेंजीन के वजह से। ये एक खतरनाक चीज़ है। बेंजीन कैंसर तो एनिमल में भी करता है, जो बाहर घूम रहे हैं धूल इसमें, राइट? और बेंजीन नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है। बेंजीन नेचुरली कहाँ प्रोड्यूस होता है? जहाँ पे जैसे कहीं भी आग लगती है, फायर जल रही है, तो बेंजीन प्रोड्यूस हो रहा है। कहीं भी कोई सिंथेटिक रबर है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, बेंजीन प्रोड्यूस होगा। फिनॉयल है, रबर है, बेंजीन प्रोड्यूस होगा। लुब्रिकेंट, पेस्टिसाइड्स या मेडिसिन या डाइज है, इन सब के बनने में भी बेंजीन प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो बहुत बड़ा सोर्स है वो है टोबैको स्मोक, सिगरेट का धुआं। सिगरेट के धुएं में बेंजीन है, ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन में बेंजीन है, एग्जॉस्ट जहां से ऑटोमोबाइल की निकलती है वहां इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो, जी हाँ, बेंजीन आपके एटमॉस्फेयर में है। और 99% बेंजीन जो आपकी बॉडी में गया वो आपके सूंघने से, इनहेलेशन से जाएगा। 99% बेंजीन हवा में, लेकिन यही सिर्फ नहीं, ये नेचुरल सोर्सेस से भी जाता है। वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, कभी कभी फॉरेस्ट जल जाते हैं, कभी उससे होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे हम सिगरेट बीड़ी जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, घर में गैस जलाते हैं, उससे भी बेंजीन निकलता है। जी हाँ, तो ये सब चीज़ों से बेंजीन निकलता है, और इसीलिए ये बेंजीन खतरनाक है, बट इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? बेंजीन को इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर ने ग्रुप 1 ह्यूमन कार्सिनोजन में डाला है। और अगर हम नॉन स्मोकर की बात करें, जो बंदा सिगरेट पीता उसका तो है ही बेंजीन, ऐसे ही घुसता रहेगा, उसको कैंसर का रिस्क तो है ही। लेकिन एक नॉन स्मोकर भी है, उसमें भी 200 से 450 माइक्रोग्राम बेंजीन एक दिन में उनके अंदर जाता है। जी हाँ, और जो स्मोकर होते हैं वो इससे 3-4 गुना तक उनके अंदर रोज जाता है, रोज, राइट? ह्यूमन एक्सपोजर बेंजीन का, ये इनहेलेशन बहुत बड़ा पार्ट है।
खाने पीने से जो जाता है वो भी एक एक रोल प्ले करता है, वो भी पार्ट है, वो सिर्फ इनसे नहीं है कि ये सोडियम बेंजोएट और एस्कॉर्बिक एसिड मिलके बेंजीन बनाएगा, नहीं, यहाँ पानी कंटेमिनेट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें जाता है, वो पानी से जो सब्जियां धुलती हैं उनमें भी कंटेमिनेटेड वाटर, वॉशिंग प्रिपेयरिंग फूड में जो यूज होता है उससे बेंजीन आपके अंदर जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन जो फूड कंपोनेंट आती हैं, जैसे अगर कभी भी किसी का भी फूड को अगर आप जला दोगे उससे भी आपका बेंजीन प्रोड्यूस होता है, राइट? अगर जैसे स्मोक वाली चीजें खाते हैं ना उसमें बेंजीन ज्यादा होता है, फूड जो इरेडिएशन होता है, राइट? या फिर मान लीजिए जैसे हमने बेंजोएट बताया उसका डिकम्पोजिशन हो, अब बेंजोएट का डिकम्पोजिशन एस्कॉर्बिक एसिड से तो होता ही है, बाकी सारे इवन बिना किसी चीज के भी स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। और ये चीज याद रखिए, जो भी चीज फ्रेश बनती है वो अच्छी है, सालों तक रहने वाला, चाहे वो एक प्रोटीन पाउडर हो चाहे वो कोई और चीज हो, वो सालों तक या 6-6 महीने रहने वाली चीज 6 महीने के बाद उतनी हेल्दी नहीं रह जाएगी जितनी वो फ्रेश थी। तो इसलिए हमेशा जितना हो सके फ्रेश फूड खाना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ प्रोटीन पाउडर, इट्स अबाउट कितना आप नेचुरल वे में अपना प्रोटीन, अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। इवन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी अल्टीमेटली बेंजीन के एमिशन से ग्रस्त होते हैं जब आप उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर का भी धुआं आता है उसके ऊपर फैलाता है, तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो आपका बेंजीन का तय है, राइट? और बेंजीन जब शरीर में जाएगा तो आपका लिवर उसको मेटाबोलाइज करेगा, यूरिन में एक्सक्रीट करेगा, लेकिन अगर आपके फूड को प्रोसेस करते हैं, हम जब भी हम फूड को प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेसिंग में बेंजीन प्रोड्यूस होता है, राइट? जब भी हम फूड को रोस्ट करते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन डालते हैं, आयनाइडिंग जो माइक्रोवेव है वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, हम आयनाइजिंग रेडिएशन यानी सीटी स्कैन वाले टाइप्स की रेडिएशन की बात कर रहे हैं, वो फूड प्रोसेसिंग में यूज होता है। और स्मोकिंग करते हैं, स्मोक करते हैं जब उसको, तो भी वो फूड वो प्रिजर्वेशन में होता है, वो भी मान लीजिए प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है। और ये बात याद रखिए, ये बेंजीन उन फूड प्रोसेसिंग में काफी, मतलब अगर आप स्मोक्ड मीट खाते हो तो 21 से लेके 121 पार्ट्स पर बिलियन उस स्मोक्ड मीट में हो सकता है बेंजीन। तो इतना ज्यादा बेंजीन आपके स्मोक्ड मीट, मीट में नहीं, स्मोक्ड मीट में आएगा। तो इतना सिंपल नहीं है ये साइंस। 1993 में जो बताया गया था कि बेंजीन एस्कॉर्बिक एसिड के साथ मिलके बनता है, उसमें आयरन और कॉपर लगता है और लाइट और हीट उसको थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं, और उससे इवन अल्कोहलिक बेवरेजेस में है, लेकिन नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में बेंजीन ज़्यादा है, बिकॉज नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में फ्रूट्स रहते हैं और ये सोडियम बेंजोएट डाल दोगे तो आप, कई बार फ्रूट प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें सोडियम बेंजोएट और एस्कॉर्बिक एसिड दोनों हैं, क्रैनबेरी उठा के उसका अगर आपने जूस बना के उसको स्टोर कर दिया 6 महीना, तो आप 2 महीना 1 महीना उसमें भी धूप लगेगी, टाइम होगा और वहां पर बेंजीन बनेगा। सो इसलिए फ्रेश फ्रूट इज ऑलवेज द बेस्ट, फ्रेश चीजें, फ्रूट जूसेस आर नॉट हेल्दी, फ्रूट के प्लम्स और वो चीजें हेल्दी हमेशा नहीं होती है, ये याद रखिएगा। और हर चीज में आपको नॉलेज बेसिक होना जरूरी है। ज्यादातर स्टडीज ये बताती है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में बेंजीन ज्यादा होता है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस आर द बेस्ट कैंडी जिसमें बेंजीन ज्यादा करके बन जाता है। इवन जो अगर आप जो स्वीटनर्स होते हैं, शुगर डालते हैं, या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या EDTA सोडियम हेक्सामेथोफॉस्फेट, ये तरीके की जो मीठी चीजें होती है ना, मीठा शक्कर डाली हुई जो ड्रिंक्स होती है, उनमें ये शुगर भी बेंजीन का प्रोडक्शन कम करती है, इनिबिट करती है, और ये इसको लाइट और जो लाइट और टाइम है डार्कनेस है उससे कम बनाती है बेंजीन। इसीलिए जो डाइट वाली नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है, डाइट वाली चीजें, वो थोड़ी ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो पड़ी रहती है धूप में, तो उनमें बेंजीन ज्यादा बन जाता है। नॉट डेट कि वो शुगर खराब करेगी, शुगर के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस तरीके से वो खराब है। फ्रेशली बना लो डाइट अपने घर में, उसमें डाइट अपना चीजें डाल दो, क्या बोलते हैं, शुगर फ्री, और फिर पी लो, उसमें कोई नुकसान नहीं। शुगर फ्री पैकेज पड़ा हुआ है, 6 महीने बाद है उसकी सेवेल, या 2 महीने बाद पी रहे हो, दैट इज हार्मफुल। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर, राइट? जब आपने अगर
इवन फूड प्रोडक्ट्स को देखोगे तो 50 से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एग्स को अगर देखा गया और उन सारी चीज़ों को गैस क्रोमेटोग्राफी से देखा गया कि उनमें कितना बेंजीन है अंदर ही, तो एवरेज के मात्र में 2 नैनोग्राम पर ग्राम बेंजीन काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स में देखा गया। और जो दूसरे फूड प्रोडक्ट जिनमें एक्चुअल बेंजोएट और एस्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा डाले गए उनमें 1 से लेकर 38 नैनोग्राम पर ग्राम तक बेंजीन था, तो बेंजीन ज़्यादा था। और बेंजीन मैंने बताया नेचुरली भी बनता है, कंडीशन से लेके फूड प्रोडक्ट्स में पड़े पड़े भी, प्रोसेस करने पे भी। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बेंजीन का एक्सपोजर लिमिट करना चाहिए। इसीलिए आपको प्रोसेस्ड फूड ही कम खाना चाहिए, जितना हो सके नेचुरल फूड खाइए, प्रोसेस्ड फूड कम खाना चाहिए, और जितना हो सके अनकंटेमिनेटेड फूड यानी कि मिलावट वाला फूड कम खाना चाहिए। अब वो आपको आपको सही सोर्सेस से लेने से मिलेगा, राइट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और अगर हम बात करें कितना बेंजीन, तो ह्यूमन एक्सपोजर कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस हेक्सपॉक, उसने एक्सटीमेशन दिया है कि डायट्री एक्सपोजर बेंजीन का, मुंह से लेने वाला, सूंघ के तो है ही वो तो अति मात्रा में, डायट्री एक्सपोजर 3 से 50 नैनोग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे तक ही मैक्सिमम रख सकते हैं। अब आपको एक चार्ट दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ नेचुरली खाने पीने में इन सारी चीज़ों में देखो कितना बेंजीन पाया गया है। ये देख के आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, हम तो बेंजीन ही बेंजीन खा रहे। जी हाँ, लेकिन ये भी कम है, 99%, ये उसका सिर्फ 1% है जो आपके अंदर स्मोक से जाता है। अब सोचो क्यों आप बीमार हो रहे हो, राइट? फिर आपको पता चलेगा क्यों हिली स्टेशन में रहने वाले हेल्दी रहते हैं और आप जल्दी बीमार होते हैं, आपकी लाइफ स्पैन कम होती है, ये गाड़ियों में, ये ट्रैफिक में आपको क्यों बीमार हो रहे हो, राइट? बेंजीन का लीथल डोज होता है 125 मिलीग्राम पर केजी, और क्रोनिक एक्सपोजर से लो कॉन्सेंट्रेशन बेंजीन पे भी हमने देखा गया है, अगर आप मात्र 1 या 2 पार्ट्स पर मिनट, पार्ट्स पर मिलियन की बेंजीन का क्रोनिक एक्सपोजर भी लोगे ना 30-40 साल तक, तो भी आपको टॉक्सिक इफेक्ट, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर्स और आपके डीएनए में प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो 40 साल इस तरह की जिंदगी जीने वालों को कैंसर हो जाता है, आगे दुनिया में कैंसर हो जाता है। तो सोचिए आपने इतने साल यहाँ रहे हैं, क्या नहीं होगा आपको या मुझे, राइट? तो इसीलिए आपको अपने बच्चों को, वो बच्चों में ज़्यादा रिस्क होता है, बच्चे में ज़्यादा रिस्क होता है एक्यूट या क्रोनिक एक्सपोजर होने का। क्यों? क्योंकि वो आप और हमसे ज़्यादा फूड खाते हैं पर वेट, पर केजी वेट के हिसाब से। अगर उनका वजन कम है, वजन के हिसाब से वो खाना ज़्यादा खाते हैं, और हवा भी वजन के हिसाब से वो ज़्यादा एयर अंदर लेते हैं, तो उनको एक्सपोजर कम रखना है। इसलिए बच्चों को वो धूल मिट्टी से, पोल्यूशन से, उन रोड ट्रैफिक से वहाँ से बचाना चाहिए, मिनिमम एक्सपोजर रखना चाहिए, मुंह पे कपड़ा बांधना चाहिए, जितनी हो सके अपने आप को करना चाहिए। अपने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का रोल है इसमें कि इलेक्ट्रिकल कारें लाएं और कारों को बचाएं, मतलब कारों के जो ठीक करें उनके जो एमिशन, मतलब एंडलेस चीज़ें जो वो कर सकते हैं, उसके बारे में क्या ही बोलूँ मैं, यू नो बेटर देन मी, इंडिया वाले और वो को करना चाहिए, राइट? और जो सब्जी भाजी बनाते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, जो बेचते हैं मार्केट में, उनको अच्छे पानी से धोना चाहिए, गंदे पानी से नहीं, नाले के पानी से नहीं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ही नहीं दुनिया भर का ख्याल रखें, आगे ज़िंदगी के बारे में सोचें, राइट? और जैसा जैसा हमने बताया उन सबको सोच के चलिए, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बेंजीन को अपने खाने पीने से कम करें, राइट? एक वीडियो में मैं और आपको अगर चाहिए तो मैं बताऊंगा कि कैसे बेंजीन को आप कम करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट? सो बेसिक चीज़ है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर करिए और इसके बाद आने वाला वीडियो ज़रूर देखिए, हाउ टू मिनिमाइज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इन द बेवरेजेस, राइट? उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, आप आगे शेयर ज़रूर करिए, लोगों को बताइए। और इट्स इम्पॉर्टेंट, इट किसी भी दूसरी कंपनी या किसी पर्सन के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि यहाँ एक मेडिकल पर्सन जब एक इंफॉर्मेशन को समझता है, बताता है, तो उसका अंडरस्टैंडिंग और दूसरे एक नॉन मेडिकल पर्सन का अंडरस्टैंडिंग अलग है। किसी भी डॉट कॉम वेबसाइट से जब आप डॉट कॉम, किसी भी डॉट कॉम, हेल्थलाइन डॉट कॉम, फलाना डॉट कॉम, ढमकाना डॉट कॉम से आप नॉलेज लेते हो, तो वो एक ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है। डॉट ओ आर जी वाली वेबसाइट से आप जाके, वो गवर्नमेंट ऑथराइज होती है, ओ आर जी वाली वेबसाइट से नॉलेज लिया करो, या पबमेड से लिया करो। पबमेड में भी कई गलत आर्टिकल्स आते हैं, तो आपको वो नॉलेज होना चाहिए किस पे भरोसा करें किस पे नहीं। तो इट्स नॉट अबाउट कि लोग गलत हैं, इट्स अबाउट कि उनको लगता है वो सही है पर ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। सो एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल पॉइंट। थैंक यू।